दूर से सामने से कहाँ चली हो मैडम? अरे तमीज नहीं क्या आप लोगों को? तमीज नहीं है क्या? अरे मैनर्स नहीं है क्या? कोई भी लड़की आ रही है अब इस तरह से करेंगे क्या? पर्स क्यों टच किया आपने मेरा? पर्स क्यों टच किया आपने मेरा? किया है आपने मेरा पर्स टच? मैं वहाँ खड़ी हूँ, आप तब से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करिए, समझ में आया ना? और रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे वर्तिका। मैंने और सीएमके की टीम ने सोचा कि जैसा कि रांची में, हैदराबाद में, उन्नाव में एक के बाद एक जो केसेस हुए हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना हम रांची में एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच टीम, वेल डन। नहीं कुछ भी बोलेंगे भैया, देखिए अरे बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब हम अकेले घूम नहीं सकते हैं क्या अब? अरे आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? ये लगा चांद के बारे में बात है, वो चांद। हाँ चांद, कौन सा चांद? वो देखिए इधर सही, इधर सही, वो देखिए कितना चमक रहा है। भैया भैया एक मिनट सुनिए यार, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं यार। भैया एक सेकेंड, भैया एक सेकेंड यार, ऐसे भैया अगर अभी इस टाइम मैं अकेले, अभी मैं अकेले हूँ भैया, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या? भैया आप मेरी हेल्प तो करो यार, आप हेल्प तो करो मेरी। ये लोग इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेले क्या घूम नहीं सकती हूँ? क्या आप लोग कह रहे हो क्रीम लगा के आ रही हो मैडम हमसे? हाँ चांद जैसा चेहरा, आ जाओ इधर, ये क्या है? मेरे को बोला क्रीम मेरे, मैं लगाया का, मैं काला दिखता का? देख लीजिए भैया बदतमीजी इन लोगों की। अरे बोले ही नहीं कुछ जबरदस्त। हाँ मतलब एक लड़की अकेले नहीं घूम सकती है रांची शहर में। मतलब हम लोग मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मस्ती करोगे मेरे साथ, करोगे अपना, करो ना मस्ती। हम लोग तो सब बैठे हैं भैया, देखिए इस तरह झूठा झूठा क्या है? वहाँ पर जब मैंने दो बार आपको मना किया फिर भी आप नहीं मान रहे, झूठा झूठा क्या होता है? कोई नहीं सुनेगा आपका, चलो है, कोई नहीं सुनेगा मैडम झूठ का, कोई सुनेगा नहीं, हम लोग सही है ना, इसीलिए क्योंकि आप लोग ज्यादा इसलिए सुनेंगे, हम अकेले हैं तो कोई मेरी नहीं सुनेगा। अगर हेल्प करने वाला था तो एक बंदा है आपकी हेल्प करता, मेजोरिटी से कुछ नहीं होता है, किसी में दम है ऑक्सीजन पार्क में, कोई लड़ जाए हमसे, लड़ने लगता, बचाएगा इसको तू, बचाएगा? अरे ये लड़के छेड़े जा रहे हैं मुझे तब से, बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे, क्या मैं अकेली हूँ? और वो कह रहे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, और कह रहे ऑक्सीजन बाग में किसी माइकल लाल में दम नहीं है जो? छोड़िए ना, ये मामला शांत करो, ये मामला शांत क्या मतलब इस तरह से ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं? कौन है क्या? साइड हो जाइए, क्या हुआ क्या है? नहीं इस तरह से ये कैसे कह सकते हैं, मतलब बदतमीजी कर रहे, कह रहे कौन सी क्रीम लगाती हो चांद सा रोशन चेहरा, और ये बदतमीजी करे जा रहे हैं तब से, एक बार मेरा पर्स टच करके निकल रहे, अभी पर्स टच कर रहे, कल को मुझे करेंगे, फिर आप सब लोग कैंडल मार्च निकालना। हम ही को बोल रहे हैं वहाँ पर, और कोई नहीं था बहुत दूर में खड़ी थी, हम लोग वहाँ बैठे, हम लोग बोल रहे बैग टच, बैग भी टच किया इसने मेरा, हाँ झूठ, झूठ झूठ बोल रही है, फंसा क्या देंगे? मतलब आप लोग छह लोग हैं तो आप लोग सही है, मैं अकेली हूँ तो मैं गलत हूँ? गैंग क्या लेकर आई है? वो लोग जो हेल्प करने आए हैं, गलत होते फिर कैंडल लेके निकल जाओगे, दो दिन व्हाट्सएप में स्टेटस डालोगे तुम लोग भी, झूठ कैसे ने बोला भाई? पागल कैसे है? पागल कैसे? किस लिए? किस लिए? ए तू लड़ने आया क्या? अरे ए भाई लड़ने आया, लड़ने नहीं आया, लड़ने नहीं आया, फालतू का नहीं लड़ने का भाई, जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है भाई, नहीं लेगी जबरदस्ती का क्यों फंसाने का? नहीं जबरदस्ती का क्यों फंसा रहा है? अभी हाथ उठाता हम लोग के ऊपर तो बिना, तो तुम लोग कुछ भी कर लोगे मेरे साथ? तुम लोग कुछ भी बोल लोगे मेरे साथ? नहीं तुम लोग कुछ भी बोलोगे? क्या मेकअप खाती है लगाती है, दिन में चांद निकल आया है, क्या है ये? कुछ नहीं बोला मैडम, क्या मैडम? हमने कुछ नहीं बोला। अरे तब से बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं बोला सर, जो बोला तो क्या हो गया? नहीं अच्छा छेड़ दिया तो क्या हो गया? वाओ दिख रहा है तुम लोगों की परवरिश, दिख रही है तुम लोगों की परवरिश, दिख रही है इतना घटिया बातें अपनी? क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या क्या होता है? नहीं ऐसे कैसे? क्या बोला? क्या बोला बता, एक बार और बताओ क्या बोला? क्या बोला? नहीं बोल रहा है कि मैडम जैसी हॉट सर्व करो हमें कुछ, ये क्या है? ये क्या है? ये नहीं बोला तब से बोल रहे मेकअप लगा रही हूँ, मेकअप, ये क्या है? ये
नहीं क्या है ये, मतलब हम अकेले तो हम गलत है, तुम लोग छह लोग हो, तुम लोग सही हो, बिल्कुल गलत हो यार, बिल्कुल गलत। हम आवाज ना उठाएं? नहीं उठा सकते। अच्छा नहीं उठा सकते? अच्छा संसद तक जाओ आप, नहीं उठा सकते। ओ संसद तक जाओ, मुझे वहाँ पे वेज रोल खाना, मैं ना रुकूं इन लोगों के चक्कर में। उंगली मत दिखाओ, हटो एक मिनट, तभी से बात करो, समझ आया ना? उंगली मत दिखाओ, करने बोलने से कुछ नहीं सुनने वाला कोई। यार ये बाबू खत्म करो ना, बोले आवाज संसद तक पहुंचाना, जाओ ये केस कर दो, केस कर के। हां तुम लोगों को तो यही है, यहां तो रेप करो, छूट जाओ यहां पर, तो दामाद के जैसे रखा जाता है रेपिस्ट को, करो रेप आके करो, फिर तुम सब लोग कैंडल मार्च लेके निकलना, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, फेसबुक पे शेयर करना। नहीं हटाएं क्यों अंकल, यही लड़के हैं ना जो लड़की, इन्हीं की वजह से लड़कियां नहीं निकल पाती है ना, इन्हीं की वजह से लड़कियां नहीं निकल पाती। बात तो यही मटियाई है ना, हल्ला करने से हल्ला कोई फायदा नहीं। इन लोग को नहीं आप बोलेंगे कि सॉरी बोलो, इन लोग को नहीं बोलेंगे कि सॉरी बोलो, इन लोग को नहीं बोलेंगे आप सॉरी बोलो, इन लोग के वजह से हम ही चोरी कर देना। बेटा जाओ छोड़ो, हटा। अरे आप क्यों सॉरी बोलेंगे, आपने कुछ नहीं किया है, गलत तो ये लोग हैं। अरे गलत ही बोलेंगे सॉरी, छोड़ दो बेटा जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे भाई अच्छा, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा छोड़िए, आप लोग नहीं बोलेंगे, जाओ जाओ, चलिए जाइए मैम, जाइए चलिए मैम, जाइए कोई दिक्कत नहीं, जाइए जाइए जाइए। ओके 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 गाइस, मैं बता दूं, मैं रेडियो सिटी से आरजे वर्तिका हूं, और गाइस आप लोग जो ऐसे हेल्प करने आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम हमारी साथ आए थे और हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पब्लिक रिएक्शन क्या देता है, किसी को अगर छेड़ता है कोई तो कोई उठ के आवाज उठाता है कि नहीं। बात यहाँ पे ये हुआ कि आप लोग उठे, अच्छा लगा, पर थोड़ा सा और सीरियस होइए अगर बाय चांस वो। और आप बोल रहे हैं कि मट्टी डालिए, मट्टी डालिए, मट्टी नहीं, मट्टी नहीं डालना, मट्टी डालिए बात पे। क्यों सर, ये सोशल एक्सपेरिमेंट था, हम लोग ये देख रहे थे कि अगर कोई लड़की मुसीबत में होती है क्या सोसाइटी के लोग आगे आते हैं हेल्प करने। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यार बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए हो इस तरह से, थैंक यू सो मच। अगर सही में छेड़े होते तो अंकल, घर का कोई फैमिली बहन या बेटी, ये इन दोनों के साथ हो रहा होता, इनके साथ हो रहा होता, तब भी कुछ नहीं बोलते, चप्पल उठाते और स्वागत करते। तो मेरी तो मेरी, मैं पराए घर की, तो मेरी नहीं, मैम 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 चप्पल से स्वागत करते तो कहाँ नहीं किया। अरे अरे क्यों, अरे क्यों, मैं मुझे भी तो करा गया तब चप्पल कहाँ थी, वही चप्पल मेरे मामले में भी निकलनी चाहिए थी, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे मामले में भी चप्पल निकलनी चाहिए थी। आप अकेली रहेंगे तो अगर आप दूसरे के लिए करेंगे तभी कोई आएगा, वरना कोई नहीं आएगा, आपके साथ भी वही होगा। आजकल ऑल टाइम भाई साहब नहीं रह सकते आपके साथ, समाचार सुनने को मिल रहा है सब, बहन को बहन समझिया, किसी को बहन को क्या समझिएगा। अगर तभी हाथ उठा देते तब क्या होता, तो वही तो हाथ उठाते ना, उठाना चाहिए सबको, मैटर हमेशा सबको समझना चाहिए। अच्छा तो मैंने क्या गलत करा था, समझना चाहिए, मैटर में क्या गलत था, ये आपको लड़का लोग आया देखे ना जाने के लिए, बैट लेके आया बंदा ने, क्या यार वीडियो बना रहे हैं, उनका भी गलत, हम लोग सब साथ में हैं तो हेल्प नहीं कर सकते हमारी, बचाना चाहिए लड़की लोग को। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये सोशल प्रोग्राम है, वो अपना कर रहा है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। ज्यादातर तो भाई देखा गया, माइंड मत करिएगा, सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि लड़की अगर अकेली है और लड़के उसे छेड़ रहे हैं और लड़की जब आवाज उठाती है तो लड़की को बोला जाता है आप जाइए। अरे हम क्यों जाएं, हम तो यहाँ घूमने आए थे, हम तो यहाँ कुछ खाने आए थे, हम क्यों जाएं, इनको बोलिए कि ये जाएं, लेकिन नहीं हमको नहीं, हम मेरी तो किसी ने, मतलब लोग आगे आए, सबसे पहले तो रांची का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि लोग आगे आए, लेकिन उनका आगे आने का तरीका ना बड़ा बायस्ड सा लगा, वो लड़कों का साथ दे रहे थे और लड़कियों के लिए ये बोल रहे थे कि अरे आप जाइए ना। भाई लड़की क्यों जाए हर बार, लड़की हर बार क्यों झुके, तो भाई इस बात का ध्यान रखना। और थैंक यू सो मच टीम, वेल डन गाइस, इन लोगों ने बहुत अच्छे से छेड़ा। बस दिखाने के लिए मैंने छेड़ा था और कुछ नहीं, आप गलत ना समझे,
जी हाँ, और ये लोग बहुत अच्छे हैं। Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। YouTube पे CMK के नाम से ये चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइज प्लीज़, अगर आपके सामने किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसका साथ दें, उसके सपोर्ट करें, उसकी हेल्प करें। थैंक यू।